सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग अगेन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, फिलहाल टाइम हो रहा है 7:20। आज मैं सुबह ही उठ गया हूँ, तो मतलब भैया ने बोला था कि आज हम जल्दी चल पड़ेंगे तो खेत के लिए। तो आज हम जो काम कर रहे हैं तो कैंची देख के आप समझ सकते होंगे। तो मतलब आज हम सेब काटने जा रहे हैं, मतलब थिनिंग करने हैं। तो पॉलिनेटर पॉलिनेटर काटेंगे, बाकी तो मेरे को भी नहीं पता ज्यादा। तो फिर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं फटाफट से खेत की तरफ। धूप भी लग गई है हल्की हल्की सी, तभी जाएंगे जल्दी, तो फिर जल्दी काम करके फ्री हो जाएंगे। ज्यादा नहीं, कम ही है वैसे काटने को। भैया ने भी अभी फोन किया था कि आ जा, चल निकल गया वो भी घर से। मैं यहीं था छोटे मामू के घर में कल, तो हैप्पी आया था ना। मैं सोचा था व्लॉग बनाऊंगा संडे को, भंडारा था यहाँ पे पीछे नानू के घर में। लेकिन फिर लोग बहुत तो नहीं, मतलब थोड़े बहुत थे, फिर मैं बनाया नहीं। और मन भी नहीं करता बनाने का, जब मतलब ऐसे रिस्पॉन्स ना मिले ना वीडियो में। खैर क्या कर सकते हैं, देखते हैं आज के क्या क्या सीन्स रहते हैं। बाकी बने रहे आप लोग व्लॉग में, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। तो दोस्तों टाइम 7:30 हो गया है, तो मतलब 10 मिनट के अंदर अंदर मैं खेत पहुंच गया हूँ। मतलब उतना दूर भी नहीं है मामू के घर से, थोड़ा ही है पर चढ़ाई लगती है इसलिए थक जाते हैं। तो अब मैं यहाँ बैठ करके वेट कर रहा हूँ भैया के आने का, क्योंकि अब मेरे को तो पता नहीं है ना कौन से रॉयल है कौन से गोल्डन है। तो पॉलिनेटर पॉलिनेटर काटने हैं, गोल्डन गोल्डन और रेड गोल्डन। तो अगर मैं खुद ही लग गया, कहीं मैं रॉयल ही काट दूँ, काटने लग गया तो फिर वैसे तो पता लग जाता है ना, लेकिन पर फिर भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता ही है। तो इसलिए भैया का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि पहले ही सेब है नहीं है, रॉयल तो बड़े कम है, पॉलिनेटर तो बहुत लगे है, गोल्डन तो और यहाँ पे है भी, मतलब बहुत है पॉलिनेटर के लिए। मतलब लगभग हर पेड़ में तो नहीं, मतलब तीन पेड़ छोड़ के तो है ही है पॉलिनेटर। तो खैर चलो वेट करते हैं भैया का, फिर देखते हैं कितने होंगे काटने को। तो दोस्तों यहाँ भैया भी पहुँच गए। हेलो, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपके? फिर क्या काम कर रहे हैं आज हम? आज हम गोल्डन काटेंगे, ठीक है जी। क्यों काटने हैं वो? ताकि अगले साल के लिए और ज्यादा आए। अगली साल के लिए, तो गाइस सुन लिया होगा आप लोगों ने, ताकि अगली साल आए इसलिए पॉलिनेटर काटने हैं। तो दोस्तों यहाँ भैया निरीक्षण कर रहे हैं, यहाँ ऊपर एक टहनी ये है, एक टहनी ये है, तो मतलब बहुत पेड़ों में है ऐसी, मतलब कलम की हुई पहले की मामू ने पॉलिनेटर के लिए। तो ये देखो चढ़ पड़े, चढ़ गए ये पेड़ पे काटने, बोला फटाफट कर देंगे, बोला आधे घंटे का काम है। दोस्तों देखो एक एक पेड़ में कितने सारे काट दिए, मतलब सारे तो नहीं काटे रखे अभी। ये देखो ये है अपने पॉलिनेटर गोल्डन, मतलब गोल्डन ही गोल्डन दिख रहे हैं, रॉयल तो एक आधा बीच में कहीं। तो एक पेड़ दो पेड़ इनके काट दिया, आगे है और तो आगे को चलते हैं। अब ये वाली टहनी ना जो इधर को है, ये देखो गाइस कैसे तीन तीन सेब लगे हुए हैं यहाँ पॉलिनेटर में गोल्डन। अगर रॉयल लगे होते इतने तो मजा ही आ जाता, मजे ही मजे। बता रहा है ये देखो गाइस, बस ऐसे काटने हैं, ऐसे हल्के से एकदम सीधे नीचे, मतलब तीन चार लगे तो फिर एक रख रहा हूं मैं। ये देखो जैसे यहाँ पे है, एक ही है एक ही है, ये उड़ा देना सीधे ही बस। चलो इसको रहने देता हूँ, खाने के काम तो आएंगे। तो दोस्तों देख सकते हो आप कितने सारे पॉलिनेट मतलब गोल्डन लगे हुए हैं। इतने रॉयल लगे होते मजा आ जाता। बाकी ऊपर बैठ गए भैया रेस्ट करने थोड़ी देर, चलो काटे। तो दोस्तों बहुत सारे काट दिए हमने, तो अब थक गए तो फिर थोड़े बैठ गए। क्या सीन है, हम लेट हो गए काटने में? ठीक चला है? नहीं मतलब नहीं नहीं ठीक है ठीक है। पहले तो आप बोल रहे थे कि थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया है, चलता रहता है थोड़ा बहुत। तो मतलब सेब का साइज बढ़ गया है ना,
गोल्डन का मतलब हो गया है थोड़े बड़े बड़े, फिर क्या बीमा कमज़ोर हो जाता है, तो मतलब टाइम रहते काटने पड़ते हैं फ्लावरिंग के बाद, जैसे सेटिंग होने के बाद जब छोटे छोटे होते हैं बिल्कुल उस टाइम काटने होते हैं, तो मतलब तब फिर नेक्स्ट ईयर के लिए बीमा स्ट्रांग रहता है। तो अब तो थोड़े बड़े हो गए हैं तो जिस वजह से कुछ कह नहीं सकते बीमा स्ट्रांग रहेगा कि नहीं। चलो अब थोड़ी देर रेस्ट करते हैं फिर काटते हैं फिर से। दोस्तों भैया अब आपको बताएंगे कैसे काटने हैं, आप बताएंगे आप कैसे काटने हैं? ये काटना है ऐसा, बिल्कुल ही बिल्कुल ही काटना नहीं, काटना चाहिए हेड से, हेड से हेड शॉट, बिल्कुल हेड शॉट मारना है गाइस। एक एक रखो चाहिए, एक में रखो, काटो जरा। ये देखो गाइस बस बड़ा इजी सा काम है, बस पत्ते नहीं काटने, अगर पत्ते कटे फिर बर्ड कमजोर हो जाएगा, अच्छा फिर बर्ड कमजोर हो जाएगा। ये देखो गाइस ये ओले का वो है, ओले का मार पड़ा थोड़ा थोड़ा, ओले की मार गाइस हल्की हल्की सी, हल्की हल्की सी पड़ी है, कहीं ज्यादा भी पड़ी है, लगभग हर तीसरे पेड़ में तो है ही है ना पॉलिनेटर, तीसरे चौथे पेड़ में पॉलिनेटर का ही खेल है गाइस। तो दोस्तों टाइम हो गया है, 9 बज गए हैं और अब हम खेत से निकल गए हैं इनकी वजह से, इन शख्स की वजह से, थोड़ा भूख लगे आज तो ये मतलब सुबह बिना ब्रेकफास्ट किया आए थे, सिर्फ चाय पी के आए थे आप? ओनली चाय, ओनली चाय पी के आए थे ये, तो उनको भूख लग गई, फिर हमने सोचा क्यों ना चलते हैं खाना वाना खा के, अब शाम को आना है कि अभी? अब आएंगे दिन को जब सांप का टाइम होगा, सांप। चलो चले फिर, अब हम मोनू के घर चैरी खाते हैं, पहले बड़े बड़े मामू के घर में चैरी, मोनू दीदी आपके घर में चैरी खा रहे हम। तो दोस्तों हम घर जा रहे थे यहाँ बड़े मामू के घर के साथ, हमें चैरी का पेड़ मिला और हम चैरी तोड़ने आ गए, माय गॉड। तो यहाँ लगी है भाई तो मिलेगा ना, तो हम चैरी तोड़ने आ गए थोड़ी सी, और यहाँ देखिए हमें कौन मिला है। दीदी हेलो, क्या हाल चाल है आपके? आप तो गायब ही रहते हो तो अब हम चलते हैं भैया के घर ही। लो तो दोस्तों फिर भैया क्या सीन है, अब हम अभी नहीं आएंगे है ना, अब हम शाम को आएंगे, अभी एनाकोंडा था गाइस पर रास्ते में हो गया, हमें दिखा तो नहीं, पत्थर के बीच छुप गया था वो, तो रिस्क क्यों लेना ऐसी धूप में, तो हम शाम को आएंगे, ठीक है जी। चलो रेस्ट। तो दोस्तों टाइम 12:07 और हम दोनों चले हैं घूमने, मतलब लंच वंच कर दिया है हमने इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए था, बाद में फिर से भूख लगने लग जाएगी, तो अभी हम दुकान तक जा रहे हैं, धूप का आनंद ले रहे हैं, तकड़ी धूप है, मतलब आज मेरे साथ भैया थे ना तो फिर हम सुबह ही जल्दी मतलब थोड़ा ही किया, हम काम किया फटाफट, अगर मैं जब अकेला होता हूँ तो मैं काम करता रहता हूँ, बैठता रहता हूँ बढ़िया 12 बजे तक, सुबह जाता हूँ लंच करने, आज तो हम घर आने के पास हो गए थे, क्यों बढ़िया नींद आई गाइस, मतलब सुबह 9 कब सोए हम, जब भी सोए अभी उठे सीधा लंच किया और चल पड़े हैं दुकान तक, तो चलते हैं फटाफट से, धूप बहुत है, सांप भी मिल सकते हैं यहाँ गाइस, चलो चले। तो दोस्तों टाइम हो गया है 4:10 और हम फिर से पहुँच गए खेत, बाकी भैया भी है साथ में, तो अब पहुंच गए, थोड़ी देर रेस्ट वेस्ट करते हैं फिर देखते हैं काटते हैं सेब, देखते हैं कब तक खत्म होता है, आज खत्म होगा कि नहीं, क्या लगता है? हो जाएगा भैया ने बोल दिया क्लोज, तो क्लोज है आज, तो चलो थोड़ी देर से लगेंगे हम काम पे, फोन में बैटरी नहीं है ज्यादा, व्लॉग व्लूग नहीं बनाऊंगा, काम करने में ध्यान देते हैं हम। तो दोस्तों ये देखो गोल्डन की पहचान, वैसे तो मुझे पता है आप लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी देखो कुछ ऐसा होता है गोल्डन का दाना देखने में, ये देखो जितने भी ये दाने गोल्डन के, मतलब थोड़े गोल से होंगे ये, और ये थोड़े रेडिश टाइप में होंगे, इनमें कलर जैसा पहले जल्दी आ जाता है, और ये है रॉयल के दाने अपने, ये मतलब इनकी शेप उतनी सही नहीं है और अभी कलर भी उतना नहीं आया है इनमें, तो बस यही है कुछ इनकी वो, तो काटिए, ये बस अब नेक्स्ट साल नेक्स्ट ईयर के लिए इसमें बीम में तैयार होंगे, तो तभी ये काट रहे हम, बस ये देखो कितने सारे लगे गाइस गोल्डन, तो
और रॉयल कहीं कहीं एक आधा है, जैसे ये दिख रहा है वहाँ दिख रहा है, और यहाँ पे तो ये देखो ओले ने मारा हुआ है, ओले की मार पड़ी है, फोकस मार। तो गाइस ओले की मार, ये भी ओले की मार, इधर भी ओले की मार, बस इन गोल्डन में नहीं है पड़ी हुई ओले की मार। बस दोस्तों बड़ा इजी काम है, ऐसे हेड से यूं ही काट दो बस इजीली। तो एक एक दाना रख रहा हूँ मैं, ताकि नेक्स्ट ईयर के लिए फिर पॉलिनेटर नहीं होंगे तो फिर सेब कहाँ से होंगे, अगर अभी काटे नहीं ना तो पॉलिनेटर नहीं उगेंगे नेक्स्ट ईयर। देखो बस यहाँ पे एक झटके में ही, ये देखो ये इस पेड़ में ये पूरी टहनी पॉलिनेटर की है, कलम लगाई कलम की हुई इसमें। तो दोस्तों मौसम देख सकते हैं आप, अभी तक धूप चमकी हुई थी और एकदम से ही बादल आ गए हैं। नहीं यहाँ यहाँ को तो साफ होने लग गया पीछे को, इधर को बादल हवा भी चली है ना, तो इस बादल साफ हो जाए तो देखते हैं मौसम कैसा रहता है। अब तो थोड़े ही पेड़ रह गए हैं, करते हैं फटाफट काम बारिश लगने से पहले। क्या नाम है जी आपका? मिंग पोलो। तो गाइस ये है माफिया मिंग पोलो कैसा नाम है इनका, माफिया मिंग पोलो से के नाम से फेमस है ये। तो दोस्तों ये देखो मेरे बगीचे में देवदार के पेड़, देवदार के बहुत से पेड़ है देख सकते हैं आप इतने सारे। तो किसी को चाहिए हो तो कांटेक्ट करे, लेकिन मैं दूंगा नहीं वो अलग बात, मतलब बहुत है ये भी रीढ़ने को है, नहीं तो नीचे इनके नीचे जो पेड़ है वो सूखने लग गए हैं, तो ये रीढ़ने पड़ेंगे सर्दियों में। मौसम बरसे ना बस जब तक हम यहाँ खेत में हैं। तो दोस्तों टाइम 5 बज गए है करेक्ट, और फाइनली हम पॉलिनेटर काट के हो गए हैं फ्री, तुम चले हैं घर की तरफ। मतलब मौसम तो एकदम से काला हुआ है ना, बिल्कुल काला, जैसे ओला आने के लिए नहीं होता शौरू आने के लिए, वैसा काला हुआ है। बस ओला नहीं आना चाहिए गाइस, नहीं तो पहले ही ओले ने मार, ओले की मार पड़ी है सेब में, अगर और ओला आएगा तो फिर सेब खत्म ही हो जाएगा। चलो देखते हैं बारिश लग जाए पर ओला ना आए, कहाँ रह गए भैया। तो अब मामू के घर चलते हैं, पहले कैंची वैंची रखते हैं, मामू की कैंची लाई थी मैंने, फिर उसके बाद चलेंगे भैया के घर। वो देखो पीछे माफिया, माफिया नीचे से दिखाऊंगा मौसम अभी थोड़ा हम यहाँ जंगल जंगल के बीच में ना, तो चलो चलो चलो। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ 15-20 वाली साइड में कैसा मौसम हुआ है, बाकी इधर बशल बुशल वाली साइड में तो बिल्कुल काला हुआ है, इधर को धूप भी लगी है शायद बारिश भी, और यहाँ पे भी काला हो गया पीछे को। एनु हाँ रुको, एनु हेलो, एनु हेलो हेलो गाइस, बारे बागत करे कोई, अरे मामू हेलो कर दो आप भी, कोई मामू का बेटा है एनु, एनु एनु जी भैया भैया। तो चलते आगे मामू के घर में रख लेते हैं कैंची। तो दोस्तों मतलब मामू की कैंची रख दी है घर में, और अब चलते हैं भैया के साथ भैया के घर। मतलब एक खप हो गया, फोन में बैटरी है 16% और लाइट चली गई है। अब ये मौसम भी ऐसा खराब है, अब पता नहीं लाइट आज आएगी कि नहीं आएगी, तो देखते हैं लाइट आती है या नहीं। लाइट आ जाए तभी कुछ सही रहेगा, नहीं तो रात कैसे कटेगी बिना लाइट के, बैटरी भी नहीं है। चलो तो दोस्तों फाइनली घर पहुँच गए हम, तो मतलब अभी तो मौसम भी मतलब ठीक हो गया है, बादल बुदल हट गए है, बारिश भी नहीं आई, हल्की सी बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई थी फिर नहीं आई। तो बस आज के दिन में इतना ही, तो काटे हमने पॉलिनेटर, मतलब जरूरी होते है गाइस, थिनिंग करना जरूरी होती है, मतलब ऐसे वही काटे पॉलिनेटर, रॉयल नहीं काटे क्योंकि पहले ही फसल कम है, ऐसा नहीं है कि हाँ भाई बम्पर बम्पर फसल है, नहीं बम्पर क्रॉप नहीं है, हल्की फुल्की है, तो ठीक है पॉलिनेटर काटने जरूरी थे तभी नेक्स्ट ईयर के लिए होंगे। तो बस इतना ही, बाकी देखते हैं कल नहीं तो परसों जाएंगे हम वापस रामपुर, क्योंकि यहाँ पे भी अब कुछ काम है नहीं ना, तो फिर रामपुर जाके थोड़ा पढ़ लिख लेते हैं। बाकी तो पढ़ना लिखना तो क्या, मतलब यहाँ पे भी हो गया है काम जो था, अब नेक्स्ट आऊँगा वोट डालने के बाद, स्प्रे स्प्रू मारने, नेक्स्ट स्प्रे मारने,
बाकी इस व्लॉग में इतना ही। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है गाइज, मिलते हैं फिर किसी नए व्लॉग के साथ। अब तक बाय बाय, टेक केयर।